क्रियाकलाप तीन। चित्र तीन ब के अनुसार अपने साथी के हाथ का ऊपरी हिस्सा बांध दें। उसी हाथ को सीधा रखते हुए कसकर मुट्ठी बांधकर चार पांच बार हिलाने, कोहनी से मोड़कर सीधा करें के लिए कहें। अब उभरी हुई नीली नलियों पर चित्र के अनुसार अपनी अंगुलियों को रखें और दबाव डालते हुए एक अंगुली को कोहनी के तरफ तो एक को पंजे के तरफ सरकाएं। क्या इनके बीच नीला रंग गायब हो गया? अब पंजे की तरफ से अंगुली को हटाएं, फिर प्रयोग को दोहरा कर कोहनी की तरफ की अंगुली को हटाएं। रक्त किस तरफ बहता हुआ नजर आता है? इस प्रयोग से हार्वे ने पाया और आपने भी देखा होगा कि रक्त पंजे से कोहनी के तरफ नली में भरता हुआ नजर आता है, अर्थात निश्चित ही ये नलियां हमारे हृदय तक रक्त का परिवहन कर रही होंगी। इस प्रयोग से हार्वे ने पाया कि रक्त पंजे से कोहनी की तरफ नलियों के द्वारा हृदय तक पहुंचता है। उनके अनुसार शिरा वेन वो नलियां हैं जिनसे रक्त हृदय की तरफ बहता है और धमनी आर्टरी वे नलियां हैं जिनसे रक्त हृदय से शरीर के अन्य क्षेत्रों तक बहता है। उन्होंने सुझाया कि हमारे शरीर में रक्त का बहाव एक चक्रीय परिपथ में होता है। शिरा और धमनियों के बीच के संपर्क मार्ग को हार्वे दर्शा नहीं पाए, पर उनकी उपस्थिति को उन्होंने सुझाया था। बाद में इसकी पुष्टि केशिकाओं कैपिलरीज की खोज से हुई। हमारे शरीर में कई जगह शिराओं को त्वचा के नीचे देखा जा सकता है। उनमें बहता हुआ रक्त नीले रंग का प्रतीत होता है, पर वास्तव में यह रक्त गाढ़े लाल रंग का होता है। धमनियों में बहता हुआ रक्त सुर्ख लाल होता है। धमनियों को कुछ ही जगहों में महसूस कर सकते हैं, जैसे कलाई कोहनी आदि, क्योंकि कुछ धमनियाँ ही सतही अर्थात त्वचा के ठीक नीचे पाई जाती हैं। चलिए एक धमनी को महसूस करते हैं।